कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो आप आसानी से अपने रेडमी के ब्लूटूथ ईयरफोन्स को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो देखिए, सबसे पहले आसान है काफ़ी प्रोसेस, आपको कुछ खास नहीं करना। आपको सीधा खोलनी है ये डब्बी और इसको ईयरफोन्स को जो वो आपको निकाल लेना है बाहर और आपकी जो डिवाइस है उसको कर देना है बंद। तो अभी जो वो आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन में घुसने से पहले आपको जब वो कुछ सेकंड के लिए इसका जो आपका जो डिवाइस है ये इसका जो राइट साइड वाला ईयर पीस है उसको आपको दबा करके रखना होता है। अभी देखिए ये स्टार्टिंग में चार्जिंग हो रहा था तो अभी पेयरिंग मोड में है। मैं इसको अभी के लिए जो वो कर लेता हूँ 1 सेकंड। आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना होता है, लंबे दबा कर। यहाँ पर जो ये जो स्पेस है ये जगह है वो बटन है यहाँ पर दबाने के लिए, आसानी से आप इसको दबा सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। आसानी से आप इसको जब वो प्रेस कर सकते हैं। 1 सेकंड, मैं थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, इसको सेटअप कर लेता हूँ। कैमरे भी बूढ़े हो जाते हैं कई बार। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसको दबाए रखेंगे ना कुछ सेकंड के लिए तो ये जब वो आपका पेयरिंग मोड में चला जाना चाहिए। ये देखिए अभी तो ये हो गया बंद। जब आप इसको अभी दबाए रखेंगे कुछ सेकंड के लिए तो ये देखिए आपकी रेड और ब्लू और कुछ इस तरह की लाइट जो इसके अंदर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इस वाले में हो रही थी वो लाइट ब्लिंक, उस वाले में नहीं हो रही अभी। मतलब हो जाए तो मतलब समझ जाइए आप ये रेडी है पेयर होने के लिए, आपकी ये डिवाइस जो वो पूरी तरह से रेडी है। मैं मेरे मोबाइल फ़ोन में बाकी प्रोसेस करता हूँ 1 सेकंड। ये देखिए स्विच ऑफ हो गई है और आप इसको दबाए रखिए। ये देखिए ये इस तरह से ब्लिंक कर गई, मतलब ये अब पेयरिंग के लिए रेडी है। तो ये लेफ़्ट पीस है, लेफ़्ट पीस में आसानी से होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, या तो आप सेटिंग्स में चले जाइए अपने फ़ोन की। सेटिंग्स में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है और ब्लूटूथ पे जा करके आप इसको जो वो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ से आप जब शटर गिराते हैं ना नीचे की तरफ तो यहाँ पर भी ब्लूटूथ आता है। आप इसको लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको डिवाइसेस आपकी मिल जाती है। तो जो कनेक्ट नहीं है और कनेक्ट करनी है आपको वो डिवाइसेस नीचे की तरफ मिलेगी यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस के अंदर। तो आपकी डिवाइस जो वो अभी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर यहाँ सर्च में ना आए तो आपको फिर से उसको प्रेस कर कर रखना है ताकि ये आपकी पेयरिंग के लिए। ये देखिए आ गया आपका रेडमी बड्स ईयरबड्स आ गया आपका, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। आप एक पीस को कान में पहन सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये पेयर हुआ है कि नहीं। देखिए पूछ रहा है कि क्या आप इसको पेयर करना चाहते हैं, आप पेयर पे क्लिक कर दीजिए और ये लीजिए आपका ईयरबड्स कनेक्ट हो चुका है, पेयर हो चुका है। अब बैटरी कितनी है इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बैटरी आपकी 80% है इस समय। तो इस तरह से आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए कि आप जो वो कैसे इसको आसानी से अपने ईयरफोन्स को या ब्लूटूथ्स को जो वो कनेक्ट कर सकते हैं ईयरबड्स को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। बने रहे मेरे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।